महाप्रभुंकर अहेतुकी करुणार परिणाम स्वरूप सिद्धार्थ भक्तिर परम पावन कार्यक्रम भागवत टुंगी पवित्र कार्यक्रम जोड़ी हिथिबा अगणित श्रद्धालु भक्त भाई माँ मानकु सभक्ति प्रणति जय गुरु जय जगन्नाथ। विगत पर्यायर आम मैंने आस्वादन करुले चतुर्थ स्कंदर प्रथम अध्यायर अमृतमय कथा। आकुति रुचिंकु बरिला गोविंदा पुत्रिका धर्मे विभा देला गोविंद 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 मकरंद गोविंद जे धर्म विधि वेद मार्गे गोविंद विचारी सत रूपा संगे गोविंद 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 मकरंद गोविंद बोले सच्चिदानंद भगवान की प्रसूति की सेनाध्यक्ष पदापति की विवाह देते किंतु आकृति की रुचि ऋषि सहित विवाह दिगला सर्त रहा रुचि ऋषि ठारु जो पुत्र संतान संभव हम प्रथम पुत्र टी माँ सतरूपा माँ महर्षि मनु आणवे ये हूँ पुत्रिका धर्म कन्या ठार उत्पन्न होता पुओटी पुओ करके राजा से धर्म विधि वेद मार्गे विचारी सतरूपा संगे माँ सतरूपा सागर ये विचार है जे प्रथम पुओटी हेले मत तुम्हें दब से प्रजापति गृहयाणी स्वधर्मे आकुति घरणी गोविंद 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 से कन्या गर्भे रुचि वीर्ये पुत्र दुहिता महातेजे गोविंद 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 पदुगणुचि मकरंद जन्मिले अति सुलक्षण ताहांको नाम एबे सुण गोविंद 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 पदुगणुचि मकरंद यज्ञ पुरुष तांक वंशे जन्म होइले विष्णु अंशे गोविंद 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 पदुगणुचि मकरंद कन्या स्वरूपा सुलक्षणा ता नाम कल्पिला दक्षिणा गोविंद 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 पदुगणुचि मकरंद बोले सच्चिदानंद भगवान की। तेणु माँ बापा मैने आंब गच्छ पोतिकिरी कई केवे बेल फल प्राप्त हुए ना जथा बीज तथाकुर तेणु उत्तम माता पिता हेले उत्तम संतान सन्तति सृष्टि के आसती जदि संतान सन्तति आज भूल रास्ता जाऊँगी प्रथम तो दायी किए दूषी मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता अदाता वंशदोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता पिला जदि दुष्ट है प्रथमे दायी हूँ तार माँ माँ मान भूल बुझे कारण जहाँ शास्त्र कह आम मान प्रत्येक कर्म पिला गभीर प्रभाव पकई थाए मातृगर्भे थिला बेले संतान से समय मार आचरण किभली हवा दरकार कहा प्रति क्रोध करना कहारी अनिष्ट चिंता करना कहीं आपण पुष्टिकर खाद्य खाइबा द्वारा पिलार पुष्टता ही थाए सेमती आप भल चिंता करने द्वारा पिलार मध्य भल मंगल ही थाए आप से समय भगवान नाम उच्चारण करतु मंत्र उच्चारण करतु हनुमान चालीसा पाठ करतु श्रीमद भागवत गीता पाठ करतु महापुरुषों जीवनी पाठ करतु अंत आपण हृदय टी भक्त मान चरित्र पाठ कले जो शांति मिल से जो मानसिक गठन में परिपुष्ट हम जदि खाद्यटा पिलार पेट को जाऊँ आम मानक मानसिक चिंतन ताऊपर प्रभाव पड़ूनी
प्रत्येक क्रियार विपरीत प्रतिक्रिया थाए समान विपरीत प्रतिक्रिया थाए ये हूँ आमर बहुत बड़ वैज्ञानिक विश्व सार आइजाक न्यूटन तांकर तृतीय नियम तेणु आम भल खाद्य खाइले पिला उपरे भल प्रभाव पड़िबो मंद खाद्य खाइले मंद प्रभाव पड़िबो भल चिंता कले भल प्रभाव पड़िबो मंद चिंता कले मंद प्रभाव पड़िबो तेणु आंब टाकुआ पोतिकिरी ताटु हांबड़ा मिलिबो बोली आशा करिवे कि ना बेल फल मिलिबो बोली आशा करिवे तेणु सेतिप्रति माँ बापा माने गभीर ध्यान देवा दरकार जदि घर मूलदुआ ठीक नाई सेठि पांचतला कोठा केबे तिष्ठि पारिबो नाही तेणु पिलामानंकु जन्म देवार जो मूलदुआ पिता माता संयोग काले बिहिजा लेकई कपाले सेतिप्रति समस्ते सतर्क रहिबा दरकार भगवत चरणाश्रित होबा दरकार नहले उत्तम संतान संतति पृथ्वी के आसी पारिबे नाही तेणु आकृति रुचि ऋषिंकु जेतले वर्णन कले आउ ए पुतिका धर्म अनुसार तांकर वैवाहिक जीवन जापन करते भगवान तांकर कोळरे जोड़िए संतान देले गोटे पुत्र आ गोटे कन्या जन्मिले अति सुलक्षण ताहांक नाम एबे शुण तांकर ना कौन ताना हला यज्ञ पुरुष एवं सुंदर स्वरूपा लक्षणा कन्या स्वरूपा सुलक्षणा ता नाम कल्पिला दक्षिणा पुअंक ना हला यज्ञ एवं झियंक ना हला सुंदर भावरे दक्षिणा जदि माँ बापा ठीक न होते देखते नामकरण भी गोटे प्रभाव रही आजिकल आम वैदिक सनातन धर्म बेले बेले अपभ्रंश पशिगला आम कड़क गले आम संस्कृति नुहे जन्म उत्सव महमबती लिभेवा आम संस्कृति हूँ दीपं ज्योति परम ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरित पाप शुभ दीप नमस्तुते दीप हूँ जीवन रेखा अंतत जेतिकी वर्ष आपणकर जन्म हेलाणी बा वयस हेलाणी सेतिकी दीप जलांतु दीप तो साक्षात भगवान दीप लिभेबार संस्कृति आमर नुहे कई जन अतिथि आसिले तांको नारायण रूप से आम प्रदीप प्रज्वलन कर अर्घ्य थाली धरी वंदापन कर स्वागत करे कौनसी सभा समिति हेले आम प्रदीप प्रज्वलन करे आ जन्मदिन में दीप लिभेबार संस्कृति आमर नुहे कि आम भूल काम कर चलीचे ता माने जो पुओ झियों का पाई आपण दीप लिभौचंती प्रकारतरे तांकर जीवन को आपण लिभी दउचंती अंधकार कर दउचंती आम संस्कृति काटिबार संस्कृति नुहे आम संस्कृति बांटिबार संस्कृति पिठौ बाटी नानादि प्रकार सुंदर पिठा चकुली चितौ ठु आरंभ करी कित्ति पिठा मंडा पिठा ठु आरंभ करी छुंची पत्र ठु आरंभ करी केते प्रकार पिठा माँ कै पुअर जन्मदिन में आज आम एत आलस्यपराण होगला जे बजार रे कई दिन रु प्रस्तुत होता केक् ताकि प्रस्तुत आम ताेना ताकू कि पा हाथ में धरईदे छुरी काटिकी जन्मदिन पालन करने प्रकृत काटवा संस्कृति नुहे ये बांटवा संस्कृति पुअर जन्मदिन आ झीर जन्मदिन पालन कले सत्यनारायण पूजा कै श्रेणी भोग लगाए पिठा कर मीठा कर सांग पिला साथी पिला बांटी दिए से पिठा को भांगे ना गोटा बांटे किंतु आम काटी घाटी जीवन को भाग भाग करदे मनीष संस्कृति के अंधकार आड़ को टाणी ने कौन आम जीवन तेणु पुत्र ना यज्ञ कन्यार ना है दक्षिणा माँ बापा मान पाने नामकरण यह करूँ जमी नाम उच्चारण करने सहित भगवान नाम उच्चारण हो कहीं आप आग को आस्वादन करेंगे षष्ठ स्कंदरे अजामिल नामे से महापापी तरी गला पुत्र नाम को जपी अजामिल नामे से महापापी तरी गला पुत्र नाम को जपी अजामिल नामे से महापापी तरी गला पुत्र नाम को जपी अजामिल नामे से महापापी तरी गला पुत्र नाम को जपी बोले सच्चिदानंद भगवान की
अजा मिल नामी से महापापी तरी गला पुत्र नाम को जपी से सपुत्र ना रखी अजा मिल नारायण बारंबार पुओ ना को डाकू डाकू से मध्य उद्धार पाईगला। तेणु आपण मानी जो माने भागवत टुंगीर कार्यक्रम को संदर्शन करूंट समस्त बाबाजी विनम्र निवेदन अंततः पुओ झीर नामकरण भगवान विष्णुंकर सहस्र नाम राम सहस्र नाम गोपाल सहस्र नाम कौनसी गोटे ना दिंतु ना सेमती आपण झी मे झी तो साक्षात माँ तो देवीर एत ना अच्छी कौन आम को गोटे ना कि मन पड़ूनी आम एत पाश्चात्य संस्कृति की आपणई ने देहटा सिना हिंदू संस्कृति अच्छी मन जा मारे आउ कौटी देखु आकृति और ऋचि ऋषि रसुर जन्म नहीं पुआ और झीर ना रखिले पुओंर ना यज्ञ झीव को ना रखिले दक्षिणा तो अल्प अल्प नाम उच्चारण कले पुओं ना झीव ना डाकिले तो स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य त्रयते मोहोत भयात टेके जदि भगवान आश्रय आम ग्रहण कले भगवान आमको महान विपत्तिरु रक्षा करिवे। पुनश्चाजी मैत्र मुनि कहते विदुर जी की तह कन्यार पुत्र स्वगृहे मनुक घरणी गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद निज पत्य प्रिय भावे पालंती मनुवंश लाभे गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद रुचिर घरे कन्या रही दक्षिणा नाम जार होई गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद बोले श्रीमद भागवत भगवान की आकृति कर मिलन रे जो पुत्र आ कन्या आविर्भाव हेले नियम अनुसार जो पुत्रिका धर्म रे शर्त करी विवाह देइथिले सतरूपा निजर कन्या आकृति को ऋचि ऋषि सहित तांकर जो पुत्रटी हेला प्रथम पुत्र यज्ञ तांकू कण कले माँ मातामोही नहीं आसिले पालन कले जमित आपत्य निजर संतान निजर पुओ भली ताको स्नेह ममता दे पालन कले सेपटे रुचिर घरे कन्या रही दक्षिणा नाम जार हो माँ रुचि देवी से कन्या दक्षिणा को सेपटे पालन करुचंती। पुनश्च एमंत गला दिना केते गोविंद से रुचि कन्या अभिमते गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद गोविंद से यज्ञ रूपी विष्णु हस्ते गोविंद कन्या अर्पिले विधि मते गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद गोविंद से यज्ञपति कन्या पाई गोविंद गृहस्थ धर्म विधि बही गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद गोविंद दक्षिणा गर्भे मनु बला गोविंद द्वादश पुत्र जन्म कला गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद गोविंद बोले श्रीमद भागवत भगवान की। एभली भाव महर्षि मनुंकर पत्नी सतरूपा से पुत्र को लेकर रखिंट जो पुत्र साक्षात यज्ञ पुरुष एवं निजर कन्या ऋचि ऋषि जी कन्या दक्षिणा ताकू नहीं निजे आकृति देवी पालन करहु कन्यार पुत्र आनी स्वगृहे मनुक घरणी निज अपत्य प्रिय भावे पालंती मनुवंश लाभे तेणु निजर वंशवृद्धि करने निज अपत्य को नातिकी आणिकी पालन करुचंती सेपटे रुचि कौन करिचंती कन्या दक्षिणा को बड़ा आनंद रे पालन करुचंती।
एमते बहुत दिन चली जाइछे से रुचि कन्या अभिमते एमते गला दिने केते से यज्ञ रूपी विष्णु हस्ते कन्या अर्पिले विधि मते से यज्ञ को विधि मते ए कन्या को अर्पण करिचंती कन्या अर्पिले विधि मते से यज्ञपति कन्या पाई गृहस्थ धर्म विधि वही यज्ञपति जेतबेले कन्या टिके प्राप्त होइचंती विधि मते गृहस्थ आश्रम आरंभ करिचंती दक्षिणा गर्भे मनुबला द्वादश पुत्र जन्म कला त सेई मनुंकर कन्या अर्थात आकुति देवी एई जो कन्या टिके बा पुत्र टिके पालन करिचंती से पुत्र को द्वारा ये द्वादश पुत्र को जन्म देले से द्वादश पुत्र किए तोष प्रतोष पुत्र बेनी संतोष भद्र शांति तिनी गोविंद 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 पदुगळु मकरंद षष्ठ पुत्र जे इडस्पति वेदे अधिक जार मति गोविंद 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 पदुगळु मकरंद इद्मा कवि जे विभूषण सुदेव द्वादश रोचन गोविंद 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 पदुगळु मकरंद बोले सच्चिदानंद भगवान की माँ दक्षिण देवी जो द्वादश पुत्र को जन्म देले से माने हेले एक रे तोष दुई रे प्रतोष तीन रे संतोष चार रे भद्र शांति पांच रे षष्ठ पुत्र जे इडस्पति इडस्पति हेले षष्ठ पुत्र वेदे अधिक जार मति जे वेदरे जाहांकर मति बहुत अधिक तापरे इद्म कवि विभु सुदेव रोचन एही भली भावरे तांकठु बार पुत्र जन्म नेले एही जो बार जण भाई हेले एही द्वादश भातृगणे मनुर आज्ञा परमाणे तुषित नामे देवगण होइले सृष्टिर कारण एमाने देवता बोले ये सृष्टिर कारण सृष्टि के आहुरी आगकु नेई गले मरीचि आदि सप्तमुनि यज्ञ कु इंद्र पदे घेनी गोविंद 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 पदुगळु मकरंद मरीचि आदि सप्तमुनि यज्ञ कु इंद्र पदे घेनी गोविंद 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 पदुगळु मकरंद बोले सच्चिदानंद भगवान की ये बार जन पुत्र सृष्टि आहुरी सुंदर भाव बुद्धि करैले एवं से जो मरीचि इत्यादि मुनि माने से माने कण कले यज्ञ को इंद्र पदरे आसीन करै देले तांको पाखरे संत महर्षि मानको पाखरे इटा बड़ कथा नथिला से माने सेई भली भाव दायित्व रे मध्य सेतबेले थिले तणु इंद्र पद दबा इंद्र पद काढ़ा ये जो ऋषि मानक पाई बड़ कथा नथिला मरीचि इत्यादि मुनि मानक पाई कहीं समस्ते समस्ते भगवान ब्रह्मा ठूँ सृष्टि होते पुनश्च कहती मैत्र मुनि ओतान पाद प्रिय व्रत गोविंद एबेने मनु राजा सुत गोविंद 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 पदुगळु मकरंद गोविंद एयांक ठारु वंश जेते गोविंद पुत्र पौत्र प्रमीते गोविंद 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 पदुगळु मकरंद गोविंद बोले सच्चिदानंद भगवान की मैत्र मुनि कहुचंती विदुर जी की हे विदुर जी ए महर्षि मनुंकर वंश केते जोड़े विस्तारित हैला जमी तांकर दुई पुआ तीन झी तीन झीरे आम गत पर्यायर आस्वादन करते देवहूती तो मात्र गोटे पुओ हेले भगवान कपिल नौटी झी झी गोटे पुओ किंतु आकुति जे रुचि ऋषि को वरण करते गोटे पुओ गोटे झी हेले से पुओ पुणी द्वादश पुत्र को जन्म देले ये हला आकुति ऋषि वंशधर बाकी देवहूती भगवान कपिल आसते नौ जन कन्या आसी नवदा भक्ति
ଯିଏ ନଅ ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବରଣ କରିଥିଲେ, ଆକୃତି ପ୍ରସୂତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ବରଣ କରିଥିଲେ, ଅନେକ କନ୍ୟାଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନକ ଜନନୀ। ଏହି ହେଉଛି ମହର୍ଷି ମନୁଙ୍କର ବିଶାଳ ବଂଶଧର। ସେ କଥାକୁ କହିବାକୁ ଯାଇ ମୈତ୍ରମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେନି ମନୁରାଜା ସୁତ ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ବଂଶ ଯେତେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଅପ୍ରମିତେ, ଯେ କନ୍ୟା ଦେବହୂତି ନାମ ତାହାକୁ ଲଭିଲେ କର୍ଦ୍ଦମ, ତାହାର ନବକନ୍ୟା ଗର୍ଭେ ଝିଅ ବା ଉପୁଜିଲେ ପୂର୍ବେ। ସେ ଯେଉଁ ନଅଟି କନ୍ୟା ନଅ ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମିଲେ ତାଙ୍କର ବିବରଣ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେ କଥା କହିବ ତୋତେ ତୁ ଜେଣୁ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମା ଦେବହୂତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ନଅଟି କନ୍ୟା ନଅ ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ କିଏ କିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ସେଇ ଅମୃତମୟ କଥାକୁ ମୈତ୍ରମୁନି ବିଦୁର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସୂତି କନ୍ୟା ମନୁରାଜା ଦେଇ ଦକ୍ଷକୁ କଲା ପୂଜା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତାର ସନ୍ତତି ତିନି ଲୋକେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଲେ ଅନେକେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆକୃତି କି ରୁଚି ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଲେ, ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଲେ ଏବଂ ଦେବହୂତିଙ୍କି ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ ମହର୍ଷି ମନୁ। ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶାବଳୀ କହିବି ଏଥିର କାରଣ, ତୁ ଏବେ ସାବଧାନ ଶୁଣ, ଶୁଣନ୍ତେ ନବମୁନି ବଂଶ ହରେଇ ଅଶେଷ କଳମସ। ମହର୍ଷି କର୍ଦ୍ଦମ ନଅଟି ଝିଅଙ୍କୁ ନଅ ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେଇମାନେ କିଏ କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ? କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ବାଳା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦୁହିତା ନାମ କଳା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମରିଛି ବିର୍ଜେତା ଉଦରେ ଜନ୍ମିଲେ ବେନି ଦେଖୁ ମରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେଇ ପରମ ପାବନୀ କଥାକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିବା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ। ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ, ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ, ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ। ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି।